जी देखिए हमने छाता डाला हुआ लेकिन बट ऐसा कैमरा रखना पड़ रहा है क्योंकि तो बस अभी हम केक का मर्डर करेंगे, बस केक काटेंगे। तो ये मैंने ना जूते मतलब हाथ में निकाल दिए, या तो ना पानी इतना ज्यादा था, मजा भी नहीं आ रहा था चलने का। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ एकदम, ये देखिए। और आज सुबह मॉर्निंग हो चुकी थी 7 बजे क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी, मम्मी भी घर पे थे तो हमने काम मिलकर कर लिया था सारा का सारा जो भी होता है घर का। और सबसे पहले तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे जो कि मैं से छोटा है। तो वो लोग बट उसको मैं कैमरे में नहीं लेके आई क्योंकि उसको आती है थोड़ी सी शर्म भाई। अब क्या करें भाई, कैमरे में नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, अब नहीं दिखा सकती। तो फिलहाल मैं थंबनेल गाड़ी, और मैं सोच रही थी कि उसको देते हैं छोटा सा सरप्राइज। मैं सोच रही थी कि केक लाती हूँ उसको और उसको शाम को सरप्राइज देते हैं बट देखते क्या होता है। और आज तो हमारे यहाँ पे मेला भी है, मतलब गांव वालों का मेला है जिसमें कि आदि ब्रह्मा जी आ रहे हैं हमारे टीवी से। तो वैसे काफ़ी बड़ा मेला होता है लेकिन आपको गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे देखने में। और फिलहाल अभी मेरा प्लान मतलब जाने का पूरा तो नहीं है, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको मेला दिखाना था और शाम तक देखते क्या होता है, अगर दिखा पाई तो दिखा लूँगी, नहीं तो नहीं। और देखते हैं। और सरप्राइज की बात करूं तो सरप्राइज देखते हैं शाम को क्या होता है। अगर सरप्राइज दूंगी तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी पक्का। और फिलहाल अभी बस आने वाली है और 9 बजे हुए अभी, तो फिलहाल मैं सोची पैदल चलती हूं थोड़ा सा, दो मन करे जाऊं कि नहीं जाऊं पैदल, कि यहीं से बस लेती हूँ। तो देखते हैं बस कब तक आती है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बाकी सरप्राइज की बात करूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ भी, देखते हैं क्या होता है। और करते हैं वेट बस का और आपको दिखाती हूँ उससे पहले थोड़ा सा व्यू। आज का हमारे यहाँ का मॉर्निंग व्यू ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये देखिए इधर को दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा मुझे तो। और ये पत्तियाँ देखिए कितनी खिलखिला रही है इतनी अच्छी से। तो सो गाइस अभी तक तो बस आई नहीं, मैं सड़क में ही हूँ और बस आने को लगता है मेरे को टाइम ही लगेगा आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी जा रही है। और ये ना सिंगल रोड है, डबल रोड नहीं है, ये देखिए सिंगल रोड है तो करके थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है। और बाकी बस का हम अभी वेट करें। फिलहाल गाइस प्लीज़ मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना, और मेरे वीडियो को जितना हो सके ना आप शेयर कर दो। बस की आवाज़ आई, मेरे को लगता बस आई ऊपर से। और जितना हो सके ना वीडियो को शेयर किया करो प्लीज़, थोड़ी सपोर्ट किया करो। और बाकी प्यार प्यार बनाए रखे और प्यार करते रहिए। तो बस मैं आपके लिए ब्लॉग लाती रहूँगी। फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गई हूँ जस्ट, अभी मैं बस से उतरी और बस अभी करना मेरे को अपना काम, फिर उसके बाद चलूंगी मैं दाना देने, मैंने आटा लाया हुआ है मछलियों को देने के लिए, फिर चलेंगे हम परे। फिलहाल अभी क्रॉस करते हैं जल्दी से रोड, फिर उसके बाद मैं दाना देने जाऊंगी और फिर आपको भी ले चलूंगी वहाँ पे। फिलहाल अभी अपना काम करते हैं और उसके बाद आपसे बात करूंगी। फिलहाल मेरे ब्लॉग में बने रहे और मैं कर लेती हूँ काम अभी। तो सो फ्रेंड्स इसमें डाला हुआ है मैंने आटा और अभी देंगे यहाँ पे मछलियों को, ये देखिए इन मछलियों को मैं आटा दूंगी। आंटी आप अगर ना फोन ठीक है, खाया उसने, खाया। वाओ नीचे देखो मछलियाँ कैसे खा रही है। मैंने मछलियों को तो दाना दे दिया और यहाँ पानी की नसीब ना ठंडक महसूस होती है, थोड़ी देर मैंने सोचा यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और अभी टाइम हुआ है करीब 10:30, तो बस अभी आई थी, मैंने सोचा पहले थोड़ा बहुत काम था ना वो कर लिया, फिर उसके बाद मैं मछलियों को दाना देने आ गई। तो
तो मछलियाँ ये देखिए कैसी बैठी हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मछलियों को दाना भी दे दिया। फिर आंटी आई थी मेरे साथ, मैंने बोला इनको कि आप चलो आप कैमरा पकड़ लेना, तो फिर उसके बाद इन्होंने पकड़ा था। और बाकी पीछे देखिए मछलियाँ, ऑरेंज कलर की मछली भी देखो पड़े। तो सो फ्रेंड्स, अभी आई थी मैं लंच करने छत पे, और इससे पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया जो भी था, और अभी था मेरा लंच ब्रेक। तो बस अभी मैंने खाना खा लिया है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो तब तक के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यार फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब एकदम से मौसम एकदम से ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। मैं सोच रही थी मेले में जाना, लेकिन बट कैसे जाऊँ, ये देखिए नहीं जा सकती भाई, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। हे भगवान। दोस्तों फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों गाइस ऐसा हो चुका है ना, यहाँ पे मौसम एकदम से खराब हो गया है और नीचे मतलब मेरे मॉम लाइट बिल्कुल चले गई है। मत कर यार, आदमी तंग फिर। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हो, आप पीछे देखते हो लाइट वगैरह कैसी, मतलब गाड़ी वालों ने ऑन कर दिए और बारिश भी गिर रही है। वो देखिए पीछे तक लाइट ही लाइट ऑन चली हुई है भाई। हाँ, मैं तो आपको मेला दिखाने वाली थी, लेकिन मेला क्या, आप ये ट्रैफिक इंजॉय कीजिए और क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखिए नीचे बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हम तो मजे करके आए, सुबह 10 बजे गए और 5-6 बजे आए। हाँ, अब जाके आइए, सुबह के ना गए थे और मेरे को भी बोल रहे थे दीदी कॉम्पा चलो कॉम्पा चलो, लेकिन खैर मैं जा नहीं पाई। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइटें ऑन हो गई भाई, अंधेरा हो गया। आज 4:30 बजे, अभी 4:30 ही बजे, 4:30। क्या मैंने प्लास्टिक निकाला? प्लास्टिक नहीं है, एलोवेरा का वो जाल निकाला आपने। और ये देखिए, तो सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं घर के पास, नहीं पहुंचे अभी, बस से उतरे हैं, बस अंधेरा आ रहा है। तो सो गाइस, ये देखिए हमने छाता डाला हुआ, लेकिन बट ऐसा कैमरा रखना पड़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और फोन के ऊपर गिर जाएगा, तो मेरा फोन कहीं खराब हो गया तो कैसे कैसे बनाएंगे फिर। हाँ, फिर हमारे चप्पल भी हम दोनों ने अपनी फेवरेट चप्पल पहनी है आज, और सारी गिल्ली हो गई। हाँ, और हमको लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए ये। भगवान, एंडी कैंडी बारिश भाई, नंगे पांव बारिश। अब इतना पहुंच गया, अब टूटा जाए जो मर्जी हो जाए, कुछ हो जाए। तो सो फ्रेंड्स, अभी पहुंच गई हूँ मैं अपनी दुकान में, तो मेरे को यहाँ से कुछ सामान लेना है, वो सामान लेके फिर सीधा चलूंगी घर। बाकी वही बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि आप बताओ। और हाँ, तीन दिन अपने घर चले गई है, उसका घर यहाँ परेश ही जाता है और मेरे को आगे को चलना पड़ता है, तो मेरे को थोड़ा सामान भी लेने को था, तो बस वो सामान ले रही हूँ, फिर उसके बाद चलूंगी। फिलहाल तो भाई बारिश आप देख सकते हो, काफी ज्यादा बारिश हो रही है बाहर, तो भाई हाँ क्या बताएं। ये देखिए मेरे पाँव की हालत, पानी चले गया मेरी बैली में। ये मैंने ना जूते मतलब हाथ में निकाल दिए, या तो ना पानी इतना ज्यादा था, मजा भी नहीं आ रहा था चलने का, और इनको जोर पड़ जाता है ना और टूट जाते हैं। और ये देखिए नंगे पाँव, मजा आ रहा है, छप 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 छप, गीले तो हो ही गए अब कपड़े, अब यहाँ से पैदल चलते हैं। बाकी सामान तो मैंने बैग में डाल दिया है, तो बस जूते अकेले हाथ में और छाता, बस अब चलते हैं हम। तो गाइस, जस्ट मैं अभी घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मम्मी है, ये देखिए इनको आ रही है शर्म, है ना, शर्म आ रही है। तो रही सरप्राइज की बात, सरप्राइज तो है बट अभी तक नहीं लाया है, मतलब मैंने ना ऑर्डर दे दिया था, फिर उसके बाद बस अभी आएगा थोड़ी देर में, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और दिखा दूंगी। तो फिलहाल ब्लॉग अच्छा होने वाला है, पूरा देखना। बाकी तो मैं अभी फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए, लो जी ये आ गया अभी हमारा केक, करीब अभी हुए हैं 7 बजे हुए हैं, और ये देखिए कैंडल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा बर्थडे है बट अपनी फैमिली में ही। तो फिलहाल ये देखिए उसको सरप्राइज, मेरे छोटा भाई तो खुश हो जाएगा, बट उसको थोड़ा आइडिया हो गया है कि यार केक आ गया है। चलो अभी हम खाना वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद हम केक मर्डर कर देंगे, ओके। ये देखिए मैंने ना डेकोरेट मतलब इस तरीके से किया, कुछ भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे वहाँ ये बल्ब था जो कि मतलब ऐसे तो राउंड करता है नहीं, बट ये थोड़ा सा टूट सा गया है। ये देखिए
ये था, तो इसको हम ऐसे रखेंगे तो लाइट बहुत अच्छी आएगी, या तो फिर ऐसे करके रखेंगे। देखिए ये देखिए सिंपल सा केक है, और अब हम यहाँ पे कैंडल लगा रहे हैं। एक इधर लगा दो ना। तो सो गाइस अभी अंदर चलते हैं। ये देखिए बर्थडे, बर्थडे बॉय को देखिए, लेकिन छोटा भाई मेरा आया नहीं अभी। ये देखिए कुछ सेटिंग की है मम्मी ने, चलाया नहीं अभी तक ये। ये देखिए अभी हम यहाँ पे केक का मटर करेंगे, काटे सॉरी सर मम्मी वहां बैठना था ना इसके साथ है। तो बस अभी हम केक का मटर करेंगे, बस केक काटेंगे। तो ये तो चलिए करते हैं केक की शुरुआत। छोटा वाला भाई अभी मेरा आया नहीं है। टेबल आ गया, रुक पीछे चल फिर भाई काट। जी हमने अभी केक वगैरह तो काट लिया, फिर उसके बाद मैं तो फोटो वीडियोस बनाने ही लग गई, बस वही किया। और बंडी अभी मेरा छोटा भाई चले गया है, क्योंकि वो गया है अभी बर्थडे बनाने, उसके दोस्त वगैरह है यहीं पे पास में, तो बस अभी गया है वो। तो सो गाइस बस अब हम खाना वगैरह खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे, और अब ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो बस इतना ही बर्थडे था, क्योंकि ये ना मेरे भाई ना शर्माते बहुत है, तो ज्यादा फोटो क्लिक नहीं कर पाए, जितना किया बस उतना ही किया, मतलब उतना ही दिखाया आपको। तो बस मैं सोची थी इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं यहीं पे। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग, हाँ जी आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी अच्छी खूब सारी विशेष देना मेरे भाई को। तो जल्द मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नींद भी लग रही क्योंकि ना मैं इससे पहले सोई हुई थी। बाय।